स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास सिक्स का साइंस जेसीईआरटी पाठ 13 विद्युत परिपथ। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत परिपथ के अभ्यास के प्रश्न को। तो चलिए फ्रेंड्स अभ्यास के प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स इसमें पहला नंबर में है, दिए गए प्रश्न में चार उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर में सही का चिन्ह लगाइए। पहला नंबर में है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का स्रोत है? तो फ्रेंड्स इसमें देखिए पहला है विद्युत तार, स्विच, सेल और बल्ब। तो फ्रेंड्स ये विद्युत का स्रोत कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, जो कि विद्युत का स्रोत है। फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है? पहला नंबर में है प्लास्टिक, दूसरा नंबर में सूखी लकड़ी, तीसरा नंबर में हवा और चौथा नंबर में तांबा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, क्योंकि तांबा से ही विद्युत का चालक हो सकता है, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, हवा से नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन विद्युत रोधी पदार्थ है? अशुद्ध जल है, नींबू का रस, रबड़, लोहे की कील। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रबड़। रबड़ विद्युत को पार होने नहीं देता है, चलने नहीं देता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं, वह युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने में उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स सॉकेट है, सेल दिया हुआ है, विद्युत तार दिया हुआ है और स्विच दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर घ, क्योंकि स्विच जो होता है वो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने में उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है पाँच नंबर, सेल में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है? पहला नंबर में है सेल के ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, दूसरा में है सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, तीसरा है कभी धन टर्मिनल तो कभी ऋण टर्मिनल की ओर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स सेल जो होता है ना, इस सेल में ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस चिन्ह होता है, मतलब ऊपर में धन टर्मिनल और नीचे ऋण टर्मिनल होता है। तो विद्युत धारा का प्रवाह इधर धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या आ जाएगा? ख नंबर, सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, दो में है रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें पहला नंबर है, एक विद्युत सेल में खाली जगह टर्मिनल होते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बताया जैसे एक विद्युत सेल में क्या कितना टर्मिनल होते हैं? तो दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, एक धन और एक ऋण। अगला दो नंबर में कहता है, धातुएं विद्युत धारा की खाली जगह है। तो क्या है फ्रेंड्स? तो धातुएं जो होती है वो क्या है? चालक है, विद्युत धारा की वो चालक है, मतलब उसमें विद्युत धारा प्रवाह हो सकता है, करंट उसमें बह सकता है। आगे है तीन नंबर में, विद्युत सेल में खाली जगह पदार्थ भरे होते हैं। तो फ्रेंड्स विद्युत सेल में क्या भरे होते हैं? तो रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं। आगे चार नंबर में है, गैसें साधारणतः विद्युत के खाली जगह होते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है? गैस जो होता है वो कुचालक होते हैं। तो हो जाएगा कुचालक, कुचालक मतलब जिससे होकर विद्युत प्रवाह नहीं हो सके, विद्युत पार नहीं हो सके, उसको हम लोग कुचालक बोलेंगे। आगे पाँच नंबर में, विद्युत सेल खाली जगह ऊर्जा को खाली जगह ऊर्जा में बदलता है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या भराएगा? विद्युत सेल जो होगा वो रासायनिक ऊर्जा को क्या किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए आगे तीन नंबर का प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स आगे तीन नंबर का प्रश्न में कहता है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पहला नंबर में है, विद्युत सेल में धातु की टोपी ऋण टर्मिनल होता है। तो फ्रेंड्स विद्युत सेल में जो होता है ना वो धातु का टोपी जो होता है ऋण टर्मिनल का नहीं होता है। तो हो जाएगा इसका आंसर गलत हो जाएगा, जो धातु का टोपी होता है वो धन टर्मिनल की होते हैं, और यहाँ कहता है कि धातु का टोपी ऋण टर्मिनल का होता है, इसलिए गलत हो जाएगा। आगे दो नंबर में, टॉर्च के बल्ब में तंतु जिसे फिलामेंट कहते हैं के भंग रहने पर भी बल्ब दीप्त होता है। तो फ्रेंड्स टॉर्च में जो बल्ब होता है उसके अंदर जो तंतु होता है वो बोलता है अगर टूटा हुआ हो या फिर वो अगर फ्यूज़ हो गया हो, टूट गया हो, तो फिर भी उसके बावजूद क्या होता है? बल्ब जलेगा, मतलब दीप्त होगा। तो फ्रेंड्स ये गलत है, तो बल्ब नहीं जलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गलत। विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रभावित होता है। तो फ्रेंड्स इसमें कहता है कि विद्युत धारा जो होता है धातु से होकर प्रभावित होता है, मतलब धातु में बहता है, तो धातु से होकर प्रभावित होता है, तो यह हो जाएगा इसका आंसर सही। आगे है चार नंबर का प्रश्न में, क्या कहता है, विद्युत परिपथ बनाने के लिए धातु के तारों के स्थान पर जूट की डोरी प्रयुक्त की जा सकती है। विद्युत परिपथ बनाने के लिए अगर जूट की डोरी को प्रयोग करेंगे तो उसमें उससे अगर विद्युत प्रवाह नहीं होगा, तो यह हो जाएगा गलत। आगे पाँच नंबर, विद्युत धारा थर्मोकोल की सीट से होकर प्रवाहित नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा सही, क्योंकि
विद्युत धारा जो होता है वो थर्मोकोल के शीट से होकर प्रवाह नहीं होता है। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं, आगे प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, कहता है व्याख्या कीजिए कि नीचे दी गई व्यवस्था में बल्ब क्यों नहीं दीप्तमान होता है। फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा, बल्ब दीप्तमान इसलिए नहीं होता है क्योंकि परिपथ में एक विद्युत रोधी पेचकश जुड़ी है। तो फ्रेंड्स इसमें बल्ब जो है वो दीप्तमान नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इस परिपथ में, यहाँ का जो ये परिपथ है, इस परिपथ में एक पेचकश जुड़ा हुआ है जिसमें से यहाँ तक जो होता है ना पेचकश का भाग, वो पेचकश का हैंडल जो कि वो प्लास्टिक या फिर रबड़ का होता है जो कि विद्युत रोधी होता है, जिसके कारण इस परिपथ को क्या करता है, यहाँ पर भंग कर देता है, इसलिए ये बल्ब दीप्तमान नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आगे चलिए 5 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तो 5 नंबर में कहता है दी गई आरेख को पूरा कीजिए और बताइए कि बल्ब को दीप्तमान करने के लिए तारों के स्वतंत्र सिरों को किस प्रकार जोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर करेंगे, बल्ब को दीप्तमान करने के लिए जब इसके दोनों तारों के स्वतंत्र सिरों को एक दूसरे से जोड़ना चाहिए जिससे एक बंद लूप का निर्माण हो सके। यहाँ पर देखिए सेल का एक तार और यहाँ पर एक बल्ब का तार जो स्वतंत्र है, ये दोनों तार क्या है फ्रेंड्स, ये स्वतंत्र है, मतलब यहाँ टूटा हुआ है, फ्री है यहाँ पर। तो इस तार को एक दूसरे से आपस में इसको जोड़ना चाहिए ताकि बल्ब क्या हो सके, दीप्तमान हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, इस दोनों तार को आपस में जोड़ देंगे। इस दोनों तार को जोड़ने से क्या होगा, अब ये बल्ब दीप्तमान हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो आरेख है, अब इस आरेख में जो बल्ब है वो दीप्तमान होगा। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय विद्युत मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर लिखेंगे कि रबड़ के दस्ताने विद्युत रोधक होते हैं, ये विद्युत मिस्त्री को विद्युत झटके से बचाते हैं, यही कारण है कि विद्युत स्विच बोर्ड बिजली के तार आदि के मरम्मत का कार्य करते समय अपने हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो विद्युत मिस्त्री है, बिजली मिस्त्री जो होते हैं वो क्या करते हैं, रबड़ के दस्ताने पहनते हैं इसलिए ताकि उन्हें करंट ना लगे, झटका ना लगे। ठीक है फ्रेंड्स चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। आगे 7 नंबर का प्रश्न में देखते हैं, बिजली के औजार जैसे पेचकस और प्लायर्स के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक के आवरण चढ़े होते हैं, क्यों, व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर लिखेंगे, बिजली के औजार के हत्थों पर प्रायः प्लास्टिक के आवरण इसलिए चढ़े होते हैं क्योंकि प्लास्टिक विद्युत के कुचालक होते हैं जो विद्युत झटके से बचाते हैं। तो फ्रेंड्स बिजली के जो औजार जो होते हैं ना, उसके हत्थे जहाँ जिसमें हम लोग पकड़ते हैं, जिसको पकड़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे हत्थे बोलेंगे या फिर हत्थों भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये लगभग सब औजार में किसके होते हैं, तो प्लास्टिक का आवरण चढ़ा हुआ, आवरण मतलब वही प्लास्टिक का बना होता है। तो ये इसलिए बने होते हैं क्योंकि जब हम किसी भी विद्युत का काम करेंगे उसमें तो हमें झटका ना लगे, करंट ना लगे, इसलिए उसमें प्लास्टिक के आवरण चढ़े होते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, तो आप इसे अपना कॉपी पर नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स अगला है 8 नंबर, कहता है चित्र 13.12 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों को यदि रबड़ से जोड़ दिया जाए तो क्या बल्ब दीप्तमान होगा। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर लिखेंगे, विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों को यदि रबड़ से जोड़ दिया जाए तो बल्ब दीप्तमान नहीं होगा क्योंकि रबड़ विद्युत रोधक हैं जिसके कारण परिपथ पूरा नहीं हो सकेगा। तो फ्रेंड्स इसमें कहता है, एक यहाँ पर चित्र दिया है 13.12 में, चित्र यहाँ जैसे दिख रहा है, इस चित्र में कहता है कि यहाँ पर जो सिर, पहला सिर यहाँ पर और दूसरा सिर यहाँ, यहाँ पर सेल का एक तार और यहाँ पर एक बल्ब का एक तार के बीच में यहाँ पर यदि हम रबड़ को जोड़ दें तो ये बल्ब क्या होगा, दीप्तमान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि रबड़ जो होता है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स, विद्युत के कुचालक मतलब विद्युत रोधक, जिससे होकर क्या होता है, विद्युत पार नहीं हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स
चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, चित्र 13.13 में दिखाए गए विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों में एक पदार्थ को जोड़ने पर बल्ब दीप्तमान हो जाता है, वह पदार्थ विद्युत चालक है अथवा विद्युत रोधक, व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चित्र देखिए, एक चित्र दिख रहा है, ये चित्र 13.13 है। तो यहाँ फ्रेंड्स इसका उत्तर लिखेंगे, विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों में जो पदार्थ को जोड़ने पर बल्ब दीप्तमान हो जाता है वह पदार्थ विद्युत चालक है, क्योंकि विद्युत चालक पदार्थ ही विद्युत का चालन कर सकता है, विद्युत रोधक पदार्थ विद्युत का चालन नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ जो पदार्थ उपयोग होगा वह पदार्थ, जैसे यहाँ कोई पदार्थ उपयोग किए हैं, यहाँ पर जो पदार्थ उपयोग होगा तो वो क्या होगा, विद्युत चालक पदार्थ होगा। यदि यहाँ पर विद्युत रोधक पदार्थ अगर उपयोग करेंगे तो यहाँ पर बल्ब दीप्तमान नहीं होगा। समझ गए फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप इसे अपना कॉपी पर नोट करते चलिएगा। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है 10 नंबर, ये लास्ट प्रश्न है, चलिए इसे भी देखते हैं। क्या विद्युत का न होना हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, कैसे, इसको बताना है। यदि विद्युत नहीं होगा तो हमारे जीवन को प्रभावित करेगा, और अगर करेगा तो कैसे, चलिए उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि विद्युत हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना हम लोगों का जीवन अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि आजकल विद्युत हमारे दैनिक जीवन के लिए अनिवार्य है। घरों में उपयोग होने वाला उपकरण, रेलगाड़ी, फैक्ट्री जैसे अनेकों संयंत्र विद्युत पर ही निर्भर है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विद्युत नहीं होने पर हम लोगों के जीवन को प्रभावित करेगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि विद्युत हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक वरदान है, जो कि हम इसे अच्छे से उपयोग करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस अभ्यास के प्रश्न में इतने ही प्रश्न थे जो कि हमने आपको हल करके दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए बाय।